It's hard to breathe, but that's alright. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज मैं दिखाऊंगा आप लोग मैं अपना टॉप 10 ड्राइंग्स। तो काफी लोग सोचता होगा कि मेरा टॉप 10 ड्राइंग्स कौन सा होगा। मैं तो उतना अच्छा ड्राइंग नहीं करता हूँ। हाँ, मैं उतना अच्छा ड्राइंग नहीं करता हूँ, मगर तब भी जो भी मैं करता हूँ, मैं उनमें से भी अपना टॉप 10 ड्राइंग्स दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को अंदर जरूर देखिएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हैं। तो कल चलिए गाइस, एक बाई एक करके हम लोग दिखाता हूँ आप लोगों को मैं अपना टॉप 10 स्केचेस। तो इसमें मैं फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं दिखाऊंगा आप लोगों को टॉप 10। तो मैंने कुछ नंबरिंग नहीं की, ये मेरा फर्स्ट सेकंड है। तो सिर्फ मैंने दिखाऊंगा सीधे अपनी की टॉप 10 दिखाऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं ये मेरा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये सब कुछ नहीं बताऊंगा मैं। तो ये है बाहुबली का ड्राइंग, पोर्ट्रेट ड्राइंग। तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा था बनाने में, क्योंकि ये मुकुटी मुझे लगा था बनाने में 3 आवर्स। उसके बाद सोच समझते हैं, आप समझ ही सकते हैं कि कितना वर्क लग सकता है इसमें, इस ड्राइंग में। ज़्यादा खास तो इसमें डिटेलिंग नहीं है, मगर बहुत ही टाइम लगा था इसके मुकुट बनाने में, क्योंकि काफ़ी रियलिस्टिक था वो मुकुट। तो उसमें कुछ ज़्यादा ही डिटेलिंग करनी थी, इसलिए मुझे टाइम लगा इसके ड्राइंग बनाने में। और ये एक और बाहुबली की ड्राइंग है, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग थी बाहुबली के ये पिक्चर तो ड्राइंग के लिए। तो मैं ये मैंने ट्राई किया था, तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो ये मुझे लगभग आई थिंक 4 या 5 मंथ अगो की ड्राइंग है ये ड्राइंग। तो उस समय मुझे कुछ बहुत ही कम कुछ आता था, तब ये मेरे बहुत सारे मुझे अभी मिस्टेक दिख रहे हैं, मगर अब मैं धीरे धीरे उसे इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो आप भी धीरे धीरे अपने वर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं चाहे तो। और ये है रणवीर सिंह की ड्राइंग, तो काफ़ी इसमें अच्छा था। इसमें मैंने बहुत ही कुछ एक्सपेरिमेंट किया था इनके हेयर में, जो पेंसिल के जो होते हैं ना छिलके से मैंने कुछ डिजाइन करना ट्राई किया था, तो जो मुझे सही लगा था, तो इसलिए भी मुझे बहुत पसंद है। तो आप भी इस ट्राई कर सकते हैं अगर जल्दी आपको हेयर्स में काम करना है तो ये भी बहुत अच्छा लगा था मुझे, काफ़ी लोगों को पसंद भी आया था ये ड्राइंग। तो ये SRK की ड्राइंग, पोर्ट्रेट शाहरुख खान की ड्राइंग, ये भी मुझे बहुत ही पसंद है। तो काफ़ी लोग को मुझे ही पसंद है, काफ़ी लोग को पसंद आया जो जिन्होंने देखा था मेरे ड्राइंग को, इस ड्राइंग को काफ़ी लोगों ने तारीफ किया था, तो ये भी मुझे बहुत ही पसंद है। तो आप भी इस टकी का ड्राइंग कर सकते हैं, जिससे आपको लोगों को अच्छा लगे। तो ये डिपेंड नहीं करता कि ड्राइंग का पिक्चर कैसा है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का ड्राइंग का पिक्चर सेलेक्ट किया है। तो गाइस, ड्राइंग करने से पहले आप पिक्चर सेलेक्ट कर लें और पेपर पर ध्यान दें। ऐसे नॉर्मल पेपर पर बनाएंगे तो आई थिंक उस पर उतना रियलिस्टिक शेड नहीं आ पाएगा। तो एक और वीडियो मैं बना दूंगा, जिससे मैं बता दूंगा कि मैं कौन सी पेपर यूज करता हूँ पोर्ट्रेट के लिए, स्केचिंग के लिए। तो गाइस, ये है अक्षय कुमार की पोर्ट्रेट, जो उनकी मूवी आने वाली है बच्चन पांडे, उसका ये उन्होंने अपना ये हुड़िया बनाया उस मूवी में। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, जो आप लोग दिख रहे होंगे कि एक आंख दूसरी है, दूसरी आंख दूसरी है। तो जूम कर दिखाता हूँ, बहुत ही मज़ा आया था मुझे बनाने में। अब बनने के बाद तो मुझे और भी मज़ा आया था इसको देखने में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है ये ड्राइंग। तो गाइस, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा ड्राइंग आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं भी जान सकूँ कि आप लोग सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आ रहा ड्राइंग। तो गाइस, ये है सबसे बेहतरीन ड्राइंग आई थिंक, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यूज ही पे आए हुए हैं, 29K व्यूज पे आए हुए हैं इस ड्राइंग साथ, क्योंकि सलमान खान की पोर्ट्रेट का ड्राइंग है। तो इस जो जितने भी ड्राइंग आप लोग देख रहे होंगे, उसमें मैंने ना ही कोई स्टेप बाय स्टेप पेंसिल का यूज़ किया है, सिर्फ मैंने 10B का यूज़ किया है, और आउटलाइनिंग के लिए मैंने SB का पेंसिल यूज़ किया हूँ, बस दो ही पेंसिल का यूज़ किया हूँ और कुछ नहीं, ना ही मैंने टॉम एंड मोनो इरेजर का यूज़ किया हूँ, कुछ नहीं यूज़ नहीं करता हूँ मैं। तो एक और मैं वीडियो बना दूंगा काफ़ी मैं कैसे मैं एक ही पेंसिल से सेट करता हूँ रियलिस्टिक फेस, तो भी मैं अब चाहो तो मैं बना सकता हूँ। तो कमेंट आप लोग बता देना कि अगर आप लोग अगर वो टॉपिक इम्पोर्टेंट लगे तो मैं बना दूंगा। तो ये है हमारे कैप्टन अग्रेसिव विराट कोहली,
तो इनका ये पोर्ट्रेट जो कि मैंने आईपीएल शुरू होने के दौरान बनाया था, क्योंकि उस समय इनकी टीम बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर रही थी, तो इनकी भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ड्राइंग, काफ़ी लोग को पसंद आया था। तो आप लोग पसंद आया तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आप लोग कौन सी इनकी ड्राइंग सबसे अच्छी लगी है। और ये मैं दिखाने वाला हूँ ये पेंसिल ड्राइंग्स कुछ, तो ये मेरी बाहुबली की पोस्टर ड्राइंग है जो कि मेरी सबसे फर्स्ट पेंसिल ड्राइंग है, कलर पेंसिल ड्राइंग, तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे भी ये, बहुत ही लोगों ने पसंद किया क्योंकि मेरी फर्स्ट पेंसिल ड्राइंग थी और बहुत ही चीप मैंने पेंसिल यूज की थी जो कि डोम्स की आती है 90 रुपीज़ में, तो आप भी यूज कर सकते हैं उसे, बहुत ही अच्छा पेंसिल है। हाँ कुछ कुछ उसमें खामियाँ भी हैं जो कि चीप पेंसिल में होती ही हैं, अगर महंगा दाम में लेते हैं तो वो सब चीज़ नहीं मिलेंगे, मगर अगर आप बिगनर्स हैं तो आप यही यूज कीजिए ताकि आप कलर्स को मिक्सिंग करना सीख लें, कैसे शेड बाई शेड करते हैं वो सब सीख लें, तभी आप थोड़ा सा दामिल पर जाएँ, वरना आपका खर्चा ज़्यादा हो सकता है और वेस्ट भी हो सकता है वो पैसे आपके, तो ये सब चीज़ों पर ध्यान दें। एक ही पहली बार में ही आप पूरा इन्वेस्ट ना कर दें, धीरे धीरे इन्वेस्ट करें आर्ट में, क्योंकि आर्ट सीखने वाला चीज़ है, धीरे धीरे सीखते हैं हम लोग, तो एब्जॉर्ब करना हरे कलर को इसमें जो कि आप देख रहे होंगे पूरे तरीके से। तो इसके बाद मैंने एक और बनाया था यही चीज़, मतलब बाहुबली की पिक्चर है पोर्ट्रेट लाइक पेंसिल ड्राइंग से, पेंसिल कलर से ही बनाया था मैंने, तो भी बहुत अच्छी हुई थी, कुछ कुछ गलती थी मगर बहुत ही अच्छी थी, काफ़ी लोग पसंद आया था, पसंद क्या बहुत ही पसंद आया था, मुझे बहुत पसंद है ये सब ड्राइंग कलर पेंसिल। तो गाइस कमेंट आप जरूर बताना कि आपकी कौन सी मेरी ड्राइंग पसंद है, कि आपको कलर पेंसिल ड्राइंग पसंद है कि आपकी मेरी जो वाटर कलर ड्राइंग पसंद है, वाटर कलर तो मैं बहुत कम ही करता हूँ, आपको कलर पेंसिल पसंद है या फिर ब्लैक एंड वाइट जो होती है पेंसिल्स ये वाली ड्राइंग पसंद है, पेंसिल ड्राइंग नॉर्मल्स या फिर कलर पेंसिल ड्राइंग पसंद है आप लोग को मेरी, तो बता दिया करो ताकि मैं ज़्यादातर उस पर ध्यान तो दोनों पर देना है, मगर ज़्यादातर आप लोगों के लिए मैं वीडियो वही बनाऊँ ताकि आप लोग पसंद आए, क्योंकि अगर आप लोग पसंद नहीं आए तो मुझे ही पसंद नहीं आएगा ना, क्या फ़ायदा उस मेहनत का जब आप लोगों को पसंद नहीं आए। तो गाइस ये जो देख रहे होंगे तो ये सॉफ्ट पेस्टल से मैंने ड्राइंग बनाई थी जो कि मेरी फाइल में ये भी है, मैं निकाल नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत ही फैलती है, देख रहे होंगे जिसके बॉर्डर्स भी गंदे हो चुके हैं अब, बहुत ही फैलती है हाथ में बहुत, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है ना ये, तो ये जो था ये मेरा फर्स्ट था ड्राइंग सॉफ्ट पेस्टल से, आर्टिस्ट सॉफ्ट पेस्टल से मैंने परचेज किया था जो मैंने ड्राइंग कलर, तो उसे मैंने बनाया था, तो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे ड्राइंग, तो एक्सपेरिमेंट आई थिंक सही हुआ था। और सेकेंड स्टेप पे मैंने ये बनाया था तो कुछ कुछ मुझे इससे ज़्यादा बेटर ये लगने लगे क्योंकि इसमें कलर का मैंने वेरिएशन कुछ सीख रहा था मैं धीरे धीरे, तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया उसे भी, यही दो में बनाया था मैंने और बाकी कुछ नहीं। तो गाइस ये जो है ये मेरे आर्ट टीचर हैं, आई थिंक मतलब कि जो ये भी आर्टिस्ट ही जो इनसे मैं सीखता हूँ, मगर इनके जो बेटे हैं जो जिनका नाम प्रीतम सर है, प्रीतम कुमार, मैं उनसे ज़्यादातर सीखता हूँ, ज़्यादातर मैं उनसे कुछ भी प्रॉब्लम होता था मैं उन्हीं से पूछता हूँ, तो उनसे पूछता हूँ क्योंकि उनसे भी बड़े आर्टिस्ट ये हैं, तो मैं इनसे बहुत ही कम पूछ पाता हूँ, उनके पास टाइम को बहुत ही कम होता है, तो मैं ज़्यादातर उन्हीं से पूछ लेता हूँ जो कि इनके फादर हैं, ये फादर होंगे उनके, तो ये भी बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं, इनकी आर्ट में अगले की आई थिंक कोई वीडियो में आप लोग जरूर दिखाऊँगा इनकी कुछ ड्राइंग, जो अभी देख कर कुछ हैरान हो जाएंगे, हर इतनी अच्छी ड्राइंग बना कर सकता है। तो गाइस कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी ड्राइंग सबसे ज़्यादा पसंद आई है, ताकि मैं भी जान सकूँ आप लोग सबसे ज़्यादा कौन सी ड्राइंग मेरी पसंद है आप लोगों को, जो कि देख रहा होंगे ये विराट कोहली, सलमान खान, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, अमरेंद्र बाहुबली, ये भी बाहुबली हैं, दोनों ही बाहुबली हैं, तो बहुत ही मस्त है। गाइस कमेंट में जरूर बताइए कि आपको उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी ड्राइंग पसंद है। तो गाइस आप भी इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तब मेरे जैसे कि मेरे हाथों में लग रही होगी इसकी ग्रेफाइट्स, तो मेरे हाथ भी जैसे काली काली हो रही है,
तो मैं इसे ज्यादा पैक करने हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए कैसा बना है। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो जरूर बताइएगा, और कमेंट में जरूर बताइए क्या आप इसमें से आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सी मेरी ड्राइंग है। तो प्लीज गाइस जरूर बताइएगा सबसे पसंद आपको कौन सी आई ड्राइंग, ताकि मैं समझ सकूं, और अगर कुछ गलती भी हो तो भी बताइए ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर सकूं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट के बिना कुछ सही होता नहीं है। तो गाइस प्लीज गलती बताइएगा, और सबसे अच्छा जो लगे आप लोग ये भी बताइएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लाइक जरूर कीजिए वीडियो को पसंद आए तो, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।